एक यूनिवर्सिटी में जिसमें भारत सरकार का सहयोग होता है, उसमें राष्ट्र भर से छात्र आते हैं। अगर हम ये कहें कि हम पक्षपात की भूमिका निभाएंगे तो राष्ट्र भर के छात्रों के साथ वो अन्याय होगा। तो मेरा मात्र आपसे आग्रह ये है कि हमारी कोशिश, जैसा कि आज मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि वातावरण ऐसा हो राष्ट्र में कि वो लोग जो राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं उन्हें सशक्त किया जाए, और जो लोग भारत के टुकड़े करना चाहते हैं उन्हें आगाह किया जाए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं, तब तक भारत का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। कि वो लोग जो राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं उन्हें सशक्त किया जाए, और जो लोग भारत के टुकड़े करना चाहते हैं उन्हें आगाह किया जाए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं, तब तक भारत का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। मैंने संसद में भी कहा था कि शिक्षा को रणभूमि ना बनाया जाए तो ही देश का भला उसमें है, शिक्षा बल्कि साधन बनना चाहिए राष्ट्र उन्नति के लिए। मैं चाहती हूँ ये सीलिंग फैन हटे, और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से। टेबल फैन रखो, एसी रखो। लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करे? गरीब आदमी टेबल फैन नहीं रख सकता। हम लोग मिलके 5,000 फैन गरीबों में जा रहे हैं और दे रहे।